नमस्कार, दीक्षित की दावत में आपका स्वागत है। नवरात्रि व्रत की स्पेशल रेसिपी आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे आलू लच्छा टिक्की चाट और रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही इजी और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, तो शुरू करें। लेकिन उससे पहले रेसिपी के अपडेट आप तक पहुँच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर दीजिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। सबसे पहले हमने आलू छीलकर तैयार कर लिए हैं और इनके लच्छे बनाने के लिए मोटे वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करेंगे। आलू के लच्छे तैयार होने के बाद हम इसे 3 से 4 बार पानी बदलकर अच्छे से धो लेंगे, जब तक कि अच्छे से स्टार्च रिमूव ना हो जाए। और बाकी का स्टार्च निकालने के लिए हमने पतीले में पानी गर्म होने रख दिया है और इसमें डाल दिए हमारे आलू के लच्छे। इन्हें 3 से 4 मिनट तक गर्म होने देते हैं। इतनी देर हम चटनी बनाकर तैयार करेंगे। हमने ले लिया है ग्राइंडर में धनिया, उसमें डाली हरी मिर्च, थोड़ा सा टुकड़ा नारियल का, थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली और सेंधा नमक और नींबू का रस, और इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। और उसके बाद इसमें मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच दही और फिर से इसे ग्राइंड करके चटनी हमारी तैयार है। और इधर देखिए, स्टार्च भी इसका काफ़ी जो बचा हुआ है वो ऊपर आ गया है, तो इसे स्टेन कर लेते हैं। स्टेनर पर हमने मलमल का कपड़ा ले लिया है और इसे पानी को रिमूव कर लेंगे। और अब इसे बहुत ही अच्छे से स्क्वीज करके आलू के लच्छे से पूरा जितना भी पानी है वो हम रिमूव करेंगे। तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ध्यान से इसे करिए, क्योंकि पानी गर्म है। आपको आलू पकाने नहीं है तो पानी में उबाल आने का वेट ना करें, बस 3-4 मिनट इसे गर्म करना है। एक किचन टॉवल की हेल्प से इसे ट्विस्ट करिए और पानी पूरा रिमूव कर दीजिए। ये देखिए, आपके लच्छे तैयार हैं। अब इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसमें जाएगा राजगिरी का आटा, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप वैसे बनाएं तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, और ये अच्छे से कोट हो जाए आटे के साथ पूरे, बस इतना ही इसमें आटा डालना है। बहुत ज़्यादा आटा ना डालें, नहीं तो आटे का टेस्ट आएगा। सारे लच्छे बहुत बढ़िया से कोट हो गए। अब स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए थोड़े से काजू, किशमिश, हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक और काली मिर्च मिक्स करके ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। काजू के हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और ये हथेली पर हम टिक्की बनाने के लिए लच्छे ले लेंगे, थोड़े से, थोड़ी डीप हथेली की शेप करेंगे और उसमें हमने स्टफिंग भर ली है। और ऊपर से फिर से थोड़े से लच्छे से कवर करके और इसे दोनों हाथों से प्रेस करते हुए टिक्की की शेप देंगे। बहुत ही आसानी से बाइंड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आटा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से ये बाइंड हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसी तरीके से हम सारी टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, बहुत आराम से स्टफिंग भरिए, ऊपर से कवर करिए और हाथ से प्रेस करके और एकदम रोल बनाइए और फिर हल्का सा प्रेस करके इसे चपटा शेप कर दे दीजिए। इसी तरीके से सारी टिक्की की शेप करके हम तैयार कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करेंगे। तो घी ले लिया है हमने 4 टेबल स्पून फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप व्रत में खाते हैं तो। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसे एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसे आप लो फ्लेम पर बिल्कुल धीरे धीरे सेलो फ्राई होने दें, एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी आपकी टिक्की, गोल्डन होने दीजिए। एकदम क्रिस्पी और क्रंची आपकी टिक्की बनकर तैयार होंगी। 5-7 मिनट में आपकी टिक्की बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी होने लगी हैं, देखिए एक तरफ से गोल्डन हो गई हैं। और दोनों तरफ से गोल्डन होने के बाद हम इन्हें रिमूव कर लेते हैं। इसी घी में बाकी की टिक्की भी हमारी फ्राई हो जाएंगी। 11 पीस हमारे बनकर तैयार हुए हैं इसमें। और ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी टिक्की हमारी अच्छी सी फीलिंग के साथ तैयार हो गई है। स्टफिंग अच्छे से दिखाई दे रही है आपकी। अब हम आपके लिए चाट की प्लेट तैयार कर देते हैं। तो इसके लिए अब इसे कवर करेंगे दही के साथ। ये हमारा फेटा हुआ दही है, इसमें हमने थोड़ी सी पिसी हुई 1 चम्मच चीनी भी डाली है। और इस पर हम डालेंगे हरे धनिए की चटनी जो अभी हमने बनाई। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आप व्रत में खाते हैं तो। और इसे गार्निश करेंगे अनार के दानों के साथ। आपकी प्लेट तैयार है चाट वाली, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची टिक्की हमारी बनकर तैयार हुई है। तो इस व्रत वाली रेसिपी को इस नवरात्रि आप जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।